Hey guys, welcome back to your channel once again. Guys, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझको बोट एक्सटेंड एंड डीजो वॉच के बीच में कौन सी स्मार्ट वॉच अच्छी है, कौन सी स्मार्ट वॉच बाय करनी चाहिए। तो मुझे लगा एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं एंड कंपेयर करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन सी स्मार्ट वॉच जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में करेंगे, पहले तो डिटेल में कंपेरिजन करेंगे जो इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं उनका, बाद में इसके जो प्रैक्टिकल यूज़ के जो डिफरेंस है वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए एंड आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। चैनल पे गाइस अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोस को जो नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम डिस्प्ले की। डिस्प्ले गाइस आपको दोनों में ही 1.69 इंचेस का जो है एलसीडी देखने को मिलेगा। 240x280 का रेजोल्यूशन है आपका डीजो वॉच 2 में विद 2.5D कर्व ग्लास एंड 600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। वहीं बोट एक्सटेंड में 240x240 पिक्सल्स का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा 2.5D कर्व ग्लास एंड 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो दोनों वॉचेस में नहीं देखने को मिलेगा। कंपेटिबिलिटी में गाइस एंड्रॉयड एंड आईओएस को सपोर्ट करती हैं दोनों स्मार्ट वॉचेस। ग्लास प्रोडक्शन की बात करें तो दोनों ही कंपनीज ने जो है स्पेसिफाई नहीं किया है। बात करें गाइस बॉडी टाइप की तो मेटेलिक बॉडी देखने को मिल जाएगी आपको जो है डीजो वॉच 2 में। वहीं पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है बोट एक्सटेंड में। बात करें गाइस वेट की तो 53 ग्राम वेट है डीजो वॉच 2 का। वहीं लाइट वेट है 42 ग्राम की बोट एक्सटेंड। बात करते हैं स्ट्रैप की तो आपको जो डीजो वॉच 2 में सिलिकॉन 20mm का स्ट्रैप देखने को मिलेगा। वहीं बोट एक्सटेंड में गाइज आपको जो है सिलिकॉन का 22mm का स्ट्रैप साइज देखने को मिल जा रहा है। बात करें मोबाइल कंट्रोल की तो डीजो में गाइज कैमरा म्यूजिक कंट्रोल दोनों ही देखने को मिलता है। वहीं बोट एक्सटेंड में सिर्फ म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है। बात करें गाइज नोटिफिकेशन की तो कॉल मैसेज एंड अदर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। कॉल फंक्शन की बात करें तो गाइज दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में कॉल रिजेक्शन फीचर ही देखने को मिलता है। ब्लूटूथ की बात करें तो गाइज 5.0 लेटेस्ट ब्लूटूथ पे काम करती हैं दोनों स्मार्ट वॉचेस। चार्जिंग टाइप की गाइस बात करें तो मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस में। बैटरी की बात करें तो गाइस 260mAh की बैटरी देखने को मिलती है डीजो वॉच 2 में जो कि 10 डेज तक का क्लेम करती है कंपनी। वहीं आपको बोट एक्सटेंड में 300mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जिसमें कंपनी 7 to 10 डेज तक का बैटरी बैकअप क्लेम करती है। बात करें गाइस बिल्ट इन GPS की तो दोनों ही वॉचेस में नहीं देखने को मिलेगा, बट बोट एक्सटेंड में जो है आपको कनेक्टेड GPS का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइस बात करें वाटर रेजिस्टेंट की तो 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट के साथ आती है दोनों वॉचेस। दैट मीन कि आप जो है इजीली स्विम कर सकते हैं एंड 50 मीटर गहरे पानी तक लेके जा सकते हैं। गाइस बात करें इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की तो आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में ये फीचर देखने को मिल जा रहा है। वॉच फेस की बात करें तो डीजो वॉच 2 में गाइस आपको जो है 100+ वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। बोट एक्सटेंड में गाइस जो है इनिशियली 50+ वॉच फेस के साथ आई थी स्मार्ट वॉच, बट अभी जो है एप्लीकेशन में मोर देन 200 वॉच फेस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो 15 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है डीजो वॉच 2, वहीं 14 स्पोर्ट्स मोड के साथ देखने को मिल जाती है बोट एक्सटेंड। बात करें गाइस कुछ अदर फीचर्स की तो गाइस आपको इसमें हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ ट्रेनिंग है, फीमेल साइकिल ट्रैकर है, बैटरी सेविंग मोड जैसे फीचर देखने को मिल जाएगी डीजो वॉच 2 में। बात करें गाइस आपको बोट एक्सटेंड की तो आपको इसमें भी हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग है, जो है आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाएगा। बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट है इसमें आपको एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है ऑटो ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो जो डीजो वॉच 2 है 1999 के प्राइस पे इनिशियली लॉन्च किया गया है, उसके बाद जो इसका प्राइस 22299 हुआ एंड करंट प्राइस जो अभी शो कर रहा है फ्लिपकार्ट 2499 का प्राइस शो कर रहा है, तो इसका जो प्राइस हो सकता है आगे और भी बढ़े। वहीं आपकी जो बोट एक्सटेंड है 2999 के प्राइस पे गाइस लॉन्च हुई थी एंड जो इसका करंट प्राइस है सेल में जो प्राइस है 2199, तो काफ़ी अच्छी जो है डिस्काउंट इस पर चल रही है। वहीं बात करें गाइस अगर हम इनके एप्लीकेशन की तो डीजो वॉच 2 जो है डीजो एप्लीकेशन के साथ जो है पेयर होती है, वहीं बोट वेव एप्लीकेशन के साथ पेयर होती है बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच। वारंटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेज जो है 1 ईयर वारंटी के साथ आती है। चलिए बात करते हैं वर्डी की एंड देखते हैं कि दोनों स्मार्ट वॉचेज जो हैं एक दूसरे से किन टर्म्स में आगे बात करें अगर वर्डी की। चलिए उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हाईलाइटेड फीचर्स हैं जिनकी वजह से दोनों स्मार्ट वॉचेज जो हैं एक दूसरे को बीट करती हैं एंड एक दूसरे से आगे निकल जाती हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम जो है डीजो वॉच 2। तो गाइस आपको जो है डीजो वॉच 2 में जो है हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है कंपेयर टू बोट एक्सटेंड एंड जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा गाइस आपको जो इसमें मेटेलिक बॉडी देखने को मिल जाती है, जिंक की बॉडी देखने को मिल जाती है, तो जो है ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है डीजो वॉच 2 की। एंड इसके अलावा गाइस आपको जो है कैमरा कंट्रोल का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है डीजो वॉच 2 में, जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू जो है कैमरा शटर ऑप्शन को लॉन्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस एडिशनली आपको जो है डीजो वॉच 2 में बैटरी सेविंग मोड देखने को मिल जाता है।
वहीं गाइज बात करें अगर बोट एक्सटेंड की, तो बोट एक्सटेंड जो स्मार्ट वॉच है गाइज पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने की वजह से लाइट वेट है, 42 ग्राम की है। वहीं जो है डीजो वॉच 253 ग्राम के आसपास की है, तो वेट जो है अराउंड 10 ग्राम जो है कम है बोट एक्सटेंड का, तो काफ़ी लाइट वेट रहने वाली है स्मार्ट वॉच। एंड गाइज आपको जो है 300 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है बोट एक्सटेंड में कम्पेयर टू 260 mAh इन डीजो वॉच 2। बट गाइज बैकअप दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दो दिन का ही डिफरेंस मिलेगा। एंड इसके अलावा गाइस आपको जो है बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक जो यूनिक फीचर है जो स्मार्ट वॉच को थोड़ा अलग करता है डीजो वॉच 2 से। एंड साथ साथ गाइस आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का जो है फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपको कनेक्टेड GPS का भी ऑप्शन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है बिल्ट इन GPS का सपोर्ट नहीं मिलता इसमें, बट कनेक्टेड GPS का जो है ऑप्शन मिलता है। आपके फ़ोन से जो है GPS का एक्सेस लेके जो है रूट को ट्रैक करता है स्मार्ट वॉच, एंड प्रॉपर जो है मैपिंग देखने को आपको मिल जाती है आपके जो एप्लीकेशन है बोट एक्सटेंड की, बोट वेव एप्लीकेशन उसमें, तो ये चीज़ एडिशनली आपको देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा गाइस जो प्राइस का डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो ऑफर प्राइस चल रहा है वो काफ़ी जो ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव प्राइस है, काफ़ी प्राइस ड्रॉप है, तो ये जो है डिफरेंसेस दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें गाइस अगर हम वर्डिक्ट की, चलिए उससे पहले एक जो है नज़र डाल लेते हैं इनकी एक्यूरेसी पर। तो गाइस सबसे पहले बात करूँ तो बोट एक्सटेंड की एक्यूरेसी जो है मैंने टेस्ट करी थी वो काफ़ी अच्छी थी, एंड जो है ऑक्सीमीटर से जो है मिलता जुलता डेटा हमें देखने को मिला था। चाहे नेक्स्ट लेवल वाली टेस्टिंग करी थी मैंने ब्रीदिंग को जो है इंक्रीज़ करके, उसमें भी जो है काफ़ी जो है मुझे एक्यूरेट डेटा देखने को मिला था बोट एक्सटेंड में। स्लीप ट्रैकिंग भी अच्छी थी, सारी चीज़ें जो गाइस मुझे काफ़ी जो है अच्छी देखने को मिली थी। वहीं जो डीजो वॉच 2 है गाइस इसमें जो है काफ़ी निराशा हुई मुझे, काफ़ी जो है मतलब एक्यूरेसी कम देखने को मिली है। स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी अच्छी है, बट जो बाकी की चीज़ें हैं हार्ट रेट एंड SpO2 है उसको जो मैंने ब्रीदिंग इंक्रीज करके करी है तो जो है काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था। जो है वॉच काफ़ी टाइम लेती है उस लेवल तक पहुँचने में, उस चीज़ को ट्रैक करने में, तो रियल टाइम में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। रियल टाइम में आपको डेटा देखने को नहीं मिलता डीजो वॉच 2 में, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है आपको कमी देखने को मिलेगी। बाकी की ओवरऑल बात करें, अगर ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच की बात करें, तो गाइस मुझे लगता है बोट एक्सटेंड ज़्यादा अच्छी चॉइस रहने वाली है। बट आपको एक जो है एक दो चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि लुक जो है आपको डीजो वॉच 2 की काफ़ी अच्छी आती है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है डीजो वॉच 2 की, जो डिस्प्ले है वो भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, ज़्यादा ब्राइट है। हालांकि 500 निट्स के आसपास जो है ब्राइटनेस बोट एक्सटेंड की भी है, तो उतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा। बट जो रेजोल्यूशन है वो 240x240 पिक्सल का नॉर्मल डिस्प्ले रेजोल्यूशन है बोट का, तो जो है थोड़ी सी स्क्रीन की जो क्लियरिटी है वो भी आपको हल्की कम देखने को मिलेगी। बाकी एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छी, बाकी अब आप पे डिपेंड है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, एक अच्छी लुक वाली स्मार्ट वॉच या फिर आपको जो है एक्टिविटी ट्रैकिंग से ज़्यादा जो है लेना देना है, या फिर कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी गाइस आप लोगों की क्या राय है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को लेके कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।